गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हम सीखे थे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, राइट। उसकी फॉर्मूला से हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। वही फॉर्मूला से अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स का रिलेशनशिप क्या होता है वो हमें सीखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला ही, पर साथ में ये हमें सीखना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने होंगे? तीन होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक के जीरो दो होते, क्यूबिक के तीन होते हैं। तो हमें उसमें, जैसे क्वाड्रेटिक में हमने दो जीरो सपोज किए थे अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा आर थ्री जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल के ये तीन जीरोस हैं वो हमने सपोज कर लिए कि अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीन जीरोस हैं। तो उसके रिलेशनशिप क्या है? तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस यहाँ पे तीन जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा? तो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे भी जैसे उसमें लिखा था माइनस, ये एज इट इज, और बी क्या है? तो बी इज इक्वल टू क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये रहा बी। कोएफिशिएंट किसका है? ये एक्स स्क्वेयर का है। अपॉन ए इज इक्वल टू क्या है? तो ए इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये रिलेशनशिप हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और दूसरा क्या लेना है इसमें कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? तो सम करना है, पर किसका? तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टू, किसी भी दो जीरो का प्रोडक्ट उसको लेना है और उसका सम करना है। तो मतलब देखो, दो जीरोस पहले ये लिए अल्फा बीटा, ये दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, फिर उसका सम करना है किसके साथ? तो दूसरे दो जीरो के प्रोडक्ट के साथ, तो बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो गया सी अपॉन ए। उसका रिलेशनशिप क्या होता है? सी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इज इक्वल टू सी क्या होता है? तो सी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट है सी? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। फिर उसके बाद ए, तो ए तो क्या है? अभी हमने देखा था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। तो ये रिलेशनशिप हो गया, ये एक उसमें अलग है, सम ऑफ जीरोस तो था ही, पर इसमें ये जो एरिया है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट दो का मल्टीप्लाई करना है फिर वो सबको प्लस करना है, तो उसका रिलेशनशिप है सी बाय ए। फिर उसके बाद जैसे क्वाड्रेटिक में था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे जीरोस कितने हैं? तीन, अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीनों का प्रोडक्ट, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस डी बाय ए, ये याद रखना है, माइनस डी बाय ए। तो माइनस ए इट इज, डी क्या है? तो डी यहाँ पे क्या था? कांस्टेंट, क्या था? कांस्टेंट अपॉन ए क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप हो गए, जिसमें तीनों में
नीचे डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये तीनों के रिलेशंस भी याद रखने दो, मैं एमसीक्यूज के लिए तीन फॉर्मूला और मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो फॉर्मूला है वो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, वो एमसीक्यूज 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट। तो यहाँ तक हमने रिलेशनशिप देखे, क्या देखे, रिलेशनशिप्स देखे किसके, जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के। अब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक याद रखना है तुम्हें कि जीरोस एंड फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस एंड फैक्टर्स, जीरोस एंड फैक्टर्स ये याद रखना है। जीरोस एंड फैक्टर क्या होता है, तो समझो कि इफ ए इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर ए किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो है तो एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का एक जीरो अगर ए है तो उसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, ये याद रखना है। अगर बी फैक्टर है तो उसका दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, बी जीरो है तो उसका दूसरा फैक्टर बी एक्स माइनस बी, इफ बी इज जीरो, ये बी जीरो होगा तो उसका दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर एक्स माइनस बी, ये याद रखना है तुम्हें। जैसे यहाँ पे ए है, ए के इंस्टेड ऑफ ए हमें दिया हो कि 3 इज द 0, 3 जीरो होगा तो उसका एक फैक्टर क्या बन जाएगा, एक्स माइनस थ्री। 5 जीरो दिया हो तो एक्स माइनस फाइव, -5 जीरो दिया हो तो माइनस माइनस एक्स प्लस फाइव हो जाएगा फैक्टर। तो ये याद रखना है कि फैक्टर कैसे डिसाइड करना है, प्लस दिया हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिया हो तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम पहले तो उसके, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 जो अभी तक हम थियरी सीखे रिलेशनशिप की वही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें के फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले जीरोस फाइंड करना है एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। उसके बाद हमें उसका रिलेशनशिप जो अभी हमने वेरीफाई किया था वही वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। अभी हमें उसके जीरोस फाइंड करना है तो उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करना है तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें फैक्टराइज कैसे करना है, तो 8 के दो फैक्टर्स लेने हैं, 8 के दो फैक्टर्स लेके मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो 8 के दो फैक्टर, 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 होता है, राइट। तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। माइनस 2x मतलब ऐसे होता है माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2x मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन निकालो तो x माइनस 4 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ से ये दो लास्ट टू टर्म में से 2 कॉमन निकालना है प्लस 2, तो बचेगा x माइनस 4। तो इसके दो फैक्टर मिल जाएंगे हमें, एक ये x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर एक्स माइनस 2। तो जब भी हमें जीरोस फाइंड करना है तो ये जो पी ऑफ एक्स है उसे जीरो कंसिडर करना है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कंसिडर किया तो मींस क्या हुआ कि एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो होता है। किसी का भी मल्टीप्लीकेशन जीरो तब होता है जब ये दो में से एक टर्म जीरो, पर हमें पता नहीं है। तो देयरफॉर होगा क्या कि एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। तो एक्स इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 2 बोथ आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ये हुआ कि 4 एंड माइनस 2 दोनों किसके जीरोज है, पी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देयर फोर हम लिखेंगे हैंस 4 एंड माइनस 2 आर जीरोज ऑफ
पी ऑफ एक्स, कौन सा दिया है पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो ये फर्स्ट आंसर हमारा आ गया है कि फाइंड द जीरोस। तो जीरोस कौन से हो गए, फोर एन माइनस टू। अब हमें जो रिलेशनशिप प्रूव करनी है वो रिलेशनशिप प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, तो हम लेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, तो दोनों जीरोस का प्लस करना है। तो एक जीरो है फोर, दूसरा है माइनस टू, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर माइनस टू टू हो जाएगा, राइट। अब इसको रिलेशनशिप प्रूव करनी है, तो ये टू को मैं ऐसे लिखूंगा माइनस इंटू माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस टू हो गया, अपॉन वन लिख देते हैं, तो माइनस टू अपॉन वन टू ही मिलेगा। अब इज इक्वल टू देखो तो क्या होगा, तो ये माइनस में एज इट इज रखता हूँ। अब ये माइनस टू क्या है, तो माइनस टू किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का, किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का। माइनस टू किसका कोएफिशिएंट है, ये रहा देखो माइनस टू किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का। अब माइनस टू एक्स का कोएफिशिएंट है, तो मैं माइनस टू की जगह पे लिखता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। फिर नीचे वन, वन किसका कोएफिशिएंट है, तो वन एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रिलेशनशिप प्रूव हो गया, जो हमने लिखा था वही हुआ। इज इक्वल टू होगा क्या, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ये तो हो गया। पर अभी तो सिर्फ सम ऑफ जीरोज हुआ है, अभी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो फोर मल्टीप्लाई माइनस टू, तो इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एट, माइनस एट अपॉन वन, तो माइनस एट अपॉन वन, तो ये माइनस एट, माइनस एट क्या था देखो, माइनस एट ये रहा क्या था, कॉन्स्टेंट टर्म। तो माइनस एट मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टेंट टर्म, राइट। और नीचे वन, तो वन तो अभी हमने देखा क्या है, वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट नंबर सम सॉल्व हो गया, राइट। इसी तरह हमें दूसरे इसमें सिक्स क्वेश्चंस दिए वो सॉल्व करने, तो सिक्स क्वेश्चन दिए उसमें सेकंड नंबर लेते हैं। देखो तो सेकंड नंबर वाला पी ऑफ एक्स दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, राइट। ये सेकंड वाला है, अभी हमें उसके भी जीरोस पहले फाइंड करने पड़ेंगे। तो जीरोस फाइंड करना है, तो अभी जैसे हमने फैक्टराइज किया वैसे उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो मिडल टर्म ये फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट फोर और ये वन, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, फोर होगा, फोर मल्टीप्लाई वन क्या होगा, फोर। फोर के फैक्टर से हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो फोर के फैक्टर फोर वन ज़ा फोर या टू टू ज़ा फोर से हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई टू फोर करो तो टू 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 प्लस टू फोर होता है। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस टू एस, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर एस हो गया प्लस वन, राइट। तो ये मिडल टर्म स्प्लिट हो गई। फिर इसमें फर्स्ट में से कॉमन निकालो टू एस, यहाँ से टू एस कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से बचेगा एस, क्या बचेगा, 2s बचेगा, 2 टू ज़ा 2s माइनस वन, क्या बचेगा 2s माइनस वन, और यहाँ से माइनस वन कॉमन निकालो तो बचेगा 2s माइनस वन। तो दो फैक्टर मिलेंगे 2s माइनस वन एंड दूसरा भी 2s माइनस वन, ये दोनों फैक्टर सेम है, राइट, 2s माइनस वन 2s माइनस वन। तो अभी जैसे हमने कंसिडर किया था इज इक्वल टू जीरो, तो देयर फॉर 2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और 2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो देयर फॉर एस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 2s इज इक्वल टू वन और 2s इज इक्वल टू वन, तो s इज इक्वल टू वन अपॉन टू और s इज इक्वल टू वन अपॉन टू, दोनों सेम है। तो इसके दो जीरोस कौन से हो गए, वन अपॉन टू एंड वन अपॉन टू, तो देयर फॉर वन अपॉन टू एंड वन अपॉन टू आर जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स फोर एस स्क्वायर
माइनस 4s प्लस 1, तो ये जीरोस पहले फाइंड कर दिए, दोनों इक्वल है, जीरो हो सकते हैं दोनों इक्वल भी, राइट, दोनों इक्वल जीरोस कर दिए हमने। अब ये दोनों जीरोस इक्वल है, पर हमें रिलेशनशिप तो प्रूव करनी है, तो रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ जीरो, क्या लेना है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, राइट। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, देखो दोनों इक्वल है तो 1/2 प्लस 1/2, तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1। तो 1 इज इक्वल टू क्या लाना है, तो देखो इधर माइनस माइनस 4 माइनस बी, तो माइनस और माइनस बी क्या है, तो बी एक्स का कोएफिशिएंट, तो माइनस 4 है वो लिया, और अपॉन 1 ए, तो ए का कोएफिशिएंट, ए मतलब एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, तो वो 4 लिया, तो माइनस माइनस 4/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस, फिर ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा एस, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, राइट। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू, तो 1 क्या है, 1 कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, अपॉन 4 क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, राइट। तो ये दो सम कंप्लीट कर देना है, और ये दोनों टू टू टाइम लिखने हैं, टू टू टाइम कंप्लीट लिखने, थ्री थ्री टाइम कंप्लीट कर देने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है ये, रिलेशनशिप प्रूव करने वाले, राइट। फिर उसके बाद जो मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ कि नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो तुम्हें होमवर्क में करना है, तो होमवर्क में करने वाला जो क्वेश्चन है वो लिख लो, पी होमवर्क, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये होमवर्क है। यहाँ पे सबसे पहले तो तुम अरेंज कर देना कि माइनस 7x को बीच में ले लेना है, कहाँ ले लेना है, बीच में ले लेना है, मिडल टर्म में, फिर उसको स्प्लिट करना है, फिर उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है, 6 और 3, 6 3 8 करके ऐसे कर लेना, 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6 3 18, 18 के फैक्टर से मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, ये याद रखना। ओके, आज इतना करते हैं।